बात कर लेते हैं उज्जैन की। सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। उज्जैन के लिए जल्द ही सेवर खेड़ी परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। छिप्रा नदी का जलस्तर बनाए रखने की तैयारी है। सेवरखेड़ी परियोजना का काम अब शुरू होने जा रहा है। बता दें, पाइपलाइन से लिफ्ट कर पानी पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, सिंहस्थ 2028 जो कि उज्जैन में होगा और इस बड़े कार्यक्रम को लेकर देखिए तैयारियां भी उतनी ही भव्य रूप से चल रही हैं। 2028 का लक्ष्य है कि 28 तक तैयारियां पूरी करने। इसी तरह करेंगे संवाददाता संतोष कृष्णानी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, अब सेवरखेड़ी परियोजना का काम भी शुरू होने जा रहा है, तमाम तैयारियां हैं जो शुरू हो चुकी हैं सिंहस्थ को लेकर। बिल्कुल रितु, हर दिन सिंहस्थ की तैयारियों का जोर शोर यहाँ पर देखा जा रहा है। लगातार धर्मस्व विभाग जब से यहाँ पर विभाग खुला है तब से रोजाना सिंहस्थ को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें भी होती हैं और कई ऐसे निर्णय और प्रस्ताव भी पास होते हैं। जिस प्रकार अभी सेवरखेड़ी का जो परियोजना का बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव पर मोहर लगी है कि सेवरखेड़ी जो नींव का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार शिप्रा शुद्धिकरण की बात करें तो शिप्रा शुद्धिकरण का जो भी गंदा मटेरियल शिप्रा में मिलता था उसको अब वहीं रोका जाएगा। ये महत्वपूर्ण कदम है सरकार के द्वारा। और जिस प्रकार जो 2028 में जो सिंहस्थ आना है उसमें प्रदेश सरकार हो या संत समाज, उन्होंने पहले ही आह्वान किया था कि शिप्रा के शुद्ध जल से ही डुबकी लगाएंगे, तो उसको लेकर ये सेवरखेड़ी का जो प्रस्ताव है नींव का पत्थर साबित होगा। और इसमें कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की जो आस्था है कि शिप्रा के शुद्ध जल में, क्योंकि एक बूंद जो गिरी थी वो शिप्रा में गिरी थी, इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सिंहस्थ जैसा मेला यहाँ पर भराता है। और ऐसे अनेक को कार्य हैं, करोड़ों रुपए के जो सड़कों का निर्माण हो, ओवरब्रिज का काम हो, हॉस्पिटल का निर्माण हो, मेडिकल का निर्माण हो, इसमें कई ऐसी योजनाओं पर हर दिन बैठक होती है और महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत उसको अब सड़कों पर उतर कर अधिकारी भी देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे जरूरी दिशा निर्देश हो उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो एक अलग ही विभाग यहाँ पर संचालित किया गया है जो धर्मस्व विभाग की मॉनिटरिंग के तहत यहाँ पर लगातार सिंहस्थ की मॉनिटरिंग की जा रही है। और ऐसे कई अहम फैसले हैं जो आने वाले जो समय सिंहस्थ का होगा उसमें उज्जैन की रूप और तस्वीर एक अलग ही दिखाई देगी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं। उनकी एक जो कल्पना है, उनकी जो सोच है वो नेक है, नेक दिल अगर कोई इंसान अगर कोई पहल करता है तो कहीं ना कहीं सिंहस्थ का जो महापर्व देखिए कि हम अंतरराज्यीय सड़कों का निर्माण भी शुरू हो रहा है, इसके साथ ही देखिए सेवरखेड़ी योजना भी, अब देखना होगा कि किस तरह की तैयारियां आगे बढ़ती। फिलहाल शुक्रिया।